नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। एक ऐसा ही आसान मंत्र, एक ऐसा ही आसान वशीकरण का टोटका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको अगर आप ये करते हैं, अगर आप इस मंत्र को, इस वशीकरण को अपनाते हैं, तो आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा और वो व्यक्ति जिसे आप प्रेम करते हैं वो आपके वश में हो जाएगा। तो आइए बताती हूँ कि वो विधि क्या है, लेकिन उससे पहले उस सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो इस वशीकरण में हमें आवश्यकता होगी। और वो सामग्री मात्र एक कागज है। जी हाँ, मात्र एक कागज की मदद से किस तरह आप किसी को वश में कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। हमें चाहिए एक कागज और एक मार्कर। जी हाँ, इस कागज और इस मार्कर की मदद से आप किसी को किस तरह वश में कर सकते हैं, किस तरह एक मंत्र का, एक सिद्ध मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे तो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको जो प्लेन कागज लेना है उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद इस कागज को फोल्ड करना है, इसे अपने हाथ में रखेंगे और जो मंत्र मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब उस मंत्र का आप 21 बार उच्चारण करेंगे तो जो व्यक्ति हैं जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूर्ण तरह आपके वश में हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपके ही होकर रहेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है, वो सिद्ध मंत्र क्या है जिसके मात्र प्रयोग से एक व्यक्ति, एक इंसान आपके वश में हो सकता है। तो आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है, वो सिद्ध मंत्र क्या है जिसके प्रयोग से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम कामदेवाय विदहे रति प्रियाय धीमहि तनु अनंग प्रचोदया। जी हाँ, इस तरह आपको कागज हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है उस व्यक्ति का ध्यान कर जिसे आप वश में करना चाहते हैं। ओम कामदेवाय विदहे रति प्रियाय धीमहि तनो अनंग प्रचोदया। जी हाँ, इस तरह इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। उसके बाद ये जो कागज है इसको 3 घंटे के लिए, मात्र 3 घंटे के लिए आपको एक सुरक्षित स्थान पर रखना है, मतलब एक साफ स्थान पर जहाँ मांस मदिरा किसी और चीज का सेवन ना होता हो। जैसे मंदिर में आप इसे रख सकते हैं, मंदिर से पवित्र कोई जगह नहीं होती, तो इसे आप मंदिर में रख सकते हैं। 3 घंटे बाद इस कागज को निकालिए और इस कागज को आपको जला देना है। जी हाँ, 3 घंटे बाद जब आप इस कागज को निकालेंगे, इसे जलाकर आपको इसकी जो राख है, जो इसकी राख आप बनेगी जब आप इस कागज को जलाएंगे, तो उस राख को आपको बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। जिस तरह आपकी जो कागज की राख है वो बहते हुए पानी में प्रवाह होती जाएगी, वो व्यक्ति, वो इंसान आपकी ओर खिंचा चला आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि विधि उसी अनुसार करनी है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। सही तरीके से विधि कीजिए, सही तरीके से मंत्रोच्चारण कीजिए और व्यक्ति को अपना बनाइए। तो और मैं आपको दर्शकों बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे गुरुजी को दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं। जय माता दी।